सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। हाय रमजा, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। ओह दैट्स ग्रेट, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। वो कितनी देर में आ रहे हैं? आज यू मीन अभी? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, आज का दिन तो बहुत बिजी है, बैक टू बैक मीटिंग। ओके बाय। हेलो, अच्छा अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह की जो रजा। बिल्कुल, इंसान का क्या इख्तियार। सुना है उस वक्त बीना ही तो थी शहरयार के पास, उसी की किसी बात का सदमा ले लिया दिल पर उसने। हाँ आरफा आंटी बेचारी यही तो कह रही है, तौबा तौबा। अल्लाह ही बचाए ऐसी लड़कियों से, पहले माँ बाप को खा गई, जिस चचा ने बाप बन के पाला अब उस चचा को खा गई। वो कहते हैं ना, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से भी डरो। बहन ऐसी ही लड़कियों के लिए कहते हैं। बड़े अफसोस की बात, आप यहां मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने आई हैं या शर फैलाने के लिए? बगैर किसी हकीकत को जाने सुनी सुनाई बात पे आप एक बच्ची पे इल्जाम लगा रही है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ले भाई, ऐसा क्या कह दिया हमने? जो आपकी बहन ने अपने मुंह से बताया वही तो दोहरा रहे हैं हम लोग। हाँ तो और क्या, खुदा झूठ ना बुलवाए, हमने नहीं देखा पर मरने वाले की बीवी ने तो देखा ना अपनी आंखों से। बस आप दोनों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप दोनों यहाँ से चली जाइए। हाँ भाई, सच सुनने की हिम्मत ही कहाँ किसी में। चलो बहन चलते हैं। चली जाइए इस घर से और आइंदा कभी मत आइएगा। साजदा बहन कुछ तो ख्याल करें, घर आए मेहमानों की ये इज्जत होती है आपके यहाँ? जो इज्जत लेने के काबिल है ना, मैं उनको बढ़ चढ़ के इज्जत देती हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं। मेहरबानी करके चली जाइए यहाँ से और आइंदा मत आइएगा इस घर में। नसरीन, नसरीन, अल्लाह थकावट हो गई बहुत ज्यादा। जी नसरीन, दो कप अच्छी सी चाय बनाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। जी अच्छा भी लाई। देखा था तुमने कैसे बड़बड़ कर रही थी, कह रही थी मेरा शौहर खा गई। किसी के इख्तियार में होता है किसी की जान लेना क्या? हाँ वाकई वो बहुत ज्यादती कर रही थी बीना के साथ, और वो बेचारी कैसे सब्र से सुन रही थी। जो बहुत अफसोस हो रहा था रिफत, एक बार तो दिल चाह के बोल पड़ो, फिर सोचा नहीं ये उनके घर का मामला है। हाँ वैसे मुझे ना शुरू से ही बीना की चाची कुछ अजीब सी औरत लगती है।
तुम कहाँ जा रही हो? जरूरी काम से जा रही। तमचा, मैंने तुम्हें घर से बाहर अकेले जाने से मना किया। मैंने आपसे कहा है ना कि जरूरी काम से जा रही। फिक्र मत करें, वापस आ जाऊंगी, भागूंगी नहीं। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? आप जिस तरह का सुलूक कर रही है ना मेरे साथ, बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ। आपको पता है ना, जब भी कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ किया जाता है तो उसे रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे मरना भी क्यों ना पड़े। ऐसे हार नहीं मानूंगी मैं। क्या हो गया मिदत, क्यों बहस कर रही हो? जा रही होगी किसी दोस्त से मिलने। आपने लहजा देखा है उसका, किस कदर जिद थी। मुझे तो डर है कि जिद में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अभी भी वक्त है, मारिया को मना कर दो। कुछ नहीं करेगी। दूसरों का बुरा चाहने वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपने साथ कुछ बुरा करें। क्या हो गया मिद्दत, तुम्हें बेटी की जरा भी परवाह नहीं है? परवाह है, इसीलिए तो कह रही हूँ। परवाह नहीं होती तो बेशक किसी तरह ख्वार होती रहती, बीना और निहाल की जिंदगी अजीरन करती रहती। तुमने कभी मोहब्बत की होती तो तुम्हें मालूम होता ना, तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने तो लव मैरिज की ना, आपको तो पता है। और माशाल्लाह करीम भाई और आप अभी तक खुशोखुर्रम जिंदगी भी गुजार रहे, तो फिर निहाल और बीना की मोहब्बत की शादी को कबूल क्यों नहीं कर लेते? कर तो लिया कबूल, और क्या, सर पे बिठा लो उसे। उसकी चची ने मुझसे कितनी बुराइयां की उसकी। अगर मुझे इस मामले को हवा देनी होती ना, तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर बैठती मैं। हाँ, आप क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत अच्छा किया जो खामोश रही। अपनी, हम सबकी इज्जत रखी, बहुत अच्छा किया। अब मुझे यकीन है कि आइंदा भी आप ऐसे ही सब्र का और अच्छे सलूक का मुजाहिरा करेंगे। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, ये रमशा को शह देना आप बंद कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। तुम जैसी बेटी की सरपरस्ती का मौका मिला। खुशकिस्मत तुम हूं। तुम्हारी इस दरिया दिली की वजह से अल्लाह हमेशा तुम पर राजी रहे। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा नहीं हूं, बाप बनकर पाला है मैंने तुम्हें। और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हुए उसके साथ कोई तोहफा भी उसे दे। इसलिए मैं किसी के कहे में आकर ये नहीं कर रहा, एक बाप की हैसियत से अपनी हसरतें पूरी कर रहा हूं।
चलो, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, कभी कोई तुम्हें मुश्किल ना हो। लेकिन बेटा अगर कभी को मुश्किल हो भी ना, तो घबराना मत, ये याद रखना कि तुम्हारे चाचा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। चाचा जान आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए? अपनी अम्मी का चेहरा किसके चेहरे में देखूंगी, किसकी गोद में सर रखकर ममता महसूस करूंगी मैं? चाचा जान, तोबा तोबा तोबा, क्या बताऊं मैं रमशा तुम्हें, वो जो आरफा है ना बीना की चाची, कितनी जाहिल औरत है, उसे मुंह फाड़ फाड़ के रो रही थी और हर आने जाने वाले के सामने बीना की बुराइयां कर रही थी। क्यों, बीना की बुराई क्यों कर रही थी, उसके चाचा की वफात का बीना से क्या ताल्लुक? मैं और मिद्दत तो बैठ के तमाशाई बने हुए थे वहां पर बस। वैसे मुझे ना ये मिडिल क्लास फैमिली में जाना बहुत ही बुरा लगता है। अरे ये बताए ना कि वो बीना की बुराई क्यों कर रही थी? ना जाने क्यों, बस यही सुनने में आया है कि बीना ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया शहरयार से कि सुनते ही उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए। हद है वैसे, बात है मजे की। मुझे लगता है कि मुझे उसके चाची के घर जाना चाहिए, हो सकता है कि कोई बात हमारे हाथ में लग जाए और आने वाले कल में वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज मुझे काम से बाहर जाना है, वापसी पे उसकी चची के घर से भी होती आऊंगी। आखिर आपकी होने वाली साबका बहू भी तो है ना वो। ठीक है, बेटा तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? एक दो दिन की छुट्टी और ले लेते ना, तुम्हें पता तो है शहरयार भाई की ताजियत के लिए वहाँ लोगों का आना जाना रहेगा। अम्मी मैं दो तीन दिन की छुट्टी ऑलरेडी ले चुका हूँ, मजीद नहीं ले सकता। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शहरयार भाई के गुजर जाने के बाद उस घर के मर्द अब तुम ही हो। मैं मानती हूँ कि आपा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, उनका दुख भी तो देखो कितना बड़ा है बेटा, उनका हमारे सिवा और है ही कौन। तो आप क्या चाहती हैं? खाला की सारी बदतमीजियां भुला दूं मैं? हाँ बेटा, क्योंकि आपा और शहरयार भाई के बड़े एहसानात हैं हम पे। तुम्हारे वालिद के गुजर जाने के बाद शहरयार भाई थे जिन्होंने तुम्हारी स्कूल कॉलेज की फीस दी, तुम्हें लंदन भेजा। आजकल कौन करता है बेटा? जानता हूँ अम्मी, मैं जानता हूँ इस बारे में। खालू के बहुत एहसान आते हैं मुझ पर, आप फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो सका मैं खाला के लिए उतना करूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। चले आगे, तैयार हो। ठीक है, मैं अपनी चादर और बैग ले। I'm surprised. मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मंगनी के बाद आपको मुझसे मिलने की इतनी बेचैनी होगी। ये बात सुने,
मुझे कोई बेचैनी नहीं हो रही, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, नाराज क्यों हो? असल में कल मैं बहुत बिजी था, इस वजह से मिल नहीं सका। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? आप शादी के लिए इनकार कर दें। What? हाँ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो ये बात जाके आप अपनी मदर को बताएं। वो ये बात ऑलरेडी जानती और मेरी शादी वहां नहीं करना चाहती। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए आप प्लीज रिश्ते से इनकार कर दें, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और अगर मैं आपकी मुश्किल को मजीद बढ़ा दूं तो? क्या मतलब? देखिए नमशा, मुझे नहीं पता ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुझे आपसे शिद्दत से मोहब्बत हो गई है। आपके रूड होने के बावजूद मैंने और मामा ने शादी के लिए एग्री किया। अब तक तो आपको मुझसे नफरत हो जानी चाहिए। वही तो नहीं हो रही ना, क्या करूं, इतनी शिद्दत से आपसे मोहब्बत हो गई है कि अगर आप मुझे कहें कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ फिर भी कहूंगा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं, आप ही के लिए बेहतर होगा कि आप इनकार करो। वरना मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते, मगर ये बात तय है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँ। और मैं आपको किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहूँ। पिए ना, कुछ खाएंगी? मैं ऑर्डर कर दूं आपके लिए। नो थैंक्स। तुम शादी के लिए जितना इनकार कर लो, तुम्हारे स्टेटस और पैसे के लिए तुमसे ही शादी करूंगा मैं। जान अपने होने का एहसास दिला रहे थे, कहते बिना कभी परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। वो अपना साथी क्यों छोड़ गया? सानिया, मैंने अपनी जिंदगी उनके हाथों में पाई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी मेरे हाथों में कैसे खो दी? तुम्हारे हाथों में नहीं बिना, उनकी जिंदगी बस इतनी ही थी। वरना अगर मौत हमारे इख्तियार में होती तो हम तो इस दुनिया से किसी को जाने ही ना देते। इंसान इतना बेबस क्यों होता है? क्यों होता है इतना बेबस? अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने से जाता हुआ देखता, कुछ नहीं कर पाता। ज्यादा मत सोचो, बीमार हो जाओगी। काश जिंदा होते अभी, काश उनका साया हमारे सर पे से निकल गया होता, काश ये सब कुछ ख्वाब होता सानिया। ये ख्वाब नहीं है बीना, ये हकीकत है। इस हकीकत को हम जितनी जल्दी कबूल कर ले हमारे लिए बेहतर। <laughs>
मेरा सब कुछ चला गया सानिया, मेरी माँ भी, मेरा बाप भी, मेरा सब कुछ। मीना, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है। लेकिन इसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। मीना, मैं तुम्हें इस डिप्रेस माहौल में और नहीं रहने दे सकता। अभी कहाँ रहना चाहती? मेरा मैका मेरे चाचा जान के दम से था, वो चले गए, मेरा मैका खत्म। अपने हाल में एक आखिरी रस्म निभाना चाहती हूँ। क्या पता नहीं इस घर में मेरे कदम कभी पड़ेंगे कि नहीं। कैसी रस्म? हमारे यहां मरने वाली की बेटियां 40 दिन तक इसी घर में रहती। मैं चलक तक यहां रहना चाहती हूँ यहां, प्लीज। ठीक है, हालांकि मेरा दिल इस बात पे राजी नहीं है मीना, पर तुम्हारे दिल की मानना भी जरूरी है। अगर रसम है तो निभाने की इजाजत है तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो फखर अपने चाचा जान पे कि उन्होंने मेरे लिए आप जैसा शौहर इंतखाब किया। और मुझे फखर है कि आपके चाचा ने आप जैसी प्यारी भतीजी मेरे हवाले कर दी। बेटा, कल तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह मरने वाले के दर्जात को बुलंद करे और तुम्हें सब्र दे। ये ना समझना कि शहरयार के जाने के बाद तुम्हारे सर पर किसी बुजुर्ग का साया नहीं रहा। मैं हूं तुम्हारे सर पर। थैंक यू अब्बूजी, आपको सलामत रखे हमेशा। मीना, अब तुम कोशिश करो खुद को आहिस्ता आहिस्ता संभालने की। देखो तो क्या हाल कर लिया तुमने अपना। हाँ बेटा, मरने वाले के साथ ये आंसू आहे नहीं जाते, सब तो यहीं रह जाते। उसके साथ तो बस दुआएं जाती, तो बस अब तुम उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे और तुम सब पर अपना कर्म करे। आमीन। अच्छा बेटा, अब हमें इजाजत दो। निहाल बता रहा था कि तुम कुछ दिन यहाँ और रुकोगी। जी अब्बू जी। जीती रहो, जीती रहो। बेटा, मुनासिब वक्त तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा जरूरी बात है तुम्हें बता दूं। कमिंग संडे रमशा का निकाह है। मतलब है वाकई? जी बेटा। बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक कैसे?
बस अचानक रिश्ता पसंद आ गया तो सब तय हो गया। अल्लाह से हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला तुम्हें भी खुश रखे। जीती रहो। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कहने में देर नहीं करना। हाँ बेटा। बीना तुम इनकी एकलौती बहू हो, जो भी ऑर्डर करोगी वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। कोई जरूरत नहीं है हमें ना उसकी ना उसके हमदर्दी की। जाओ और जाके कह दो उससे कि दवा हो जाए अपने ससुराल वालों के साथ अभी और इसी वक्त और आइंदा कभी जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं उसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी और ना ही आप उसे ऐसा कुछ कहेंगे। ये घर जितना आपका और मेरा है ना उतना ही बीना का भी है। वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आज तो तुमने ये बात कह दी है। दोबारा अगर ऐसी बात की ना जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। ये घर उसका है और ना इस घर से उसका कोई रिश्ता है। सारे रिश्ते मर गए शहरयार के साथ। अभी मैं जिंदा हूँ मामा और जब तक जिंदा हूँ मेरा रिश्ता है बीना के साथ। तुम तो बाप की तरह उस मनहूस के लिए लड़ने की कोशिश भी मत करना। वो शौहर थे मेरे, तुम बेटी हो। उनकी तो फिर भी मैं बात सुन लेती थी। तुम्हारी मनमानी नहीं होने दूंगी मैं। बिल्कुल समझी? समझ गई। अगर आप चाहती हैं बीना यहाँ से चली जाए और दोबारा ना आए तो वो नहीं आएगी, लेकिन पापा के चहलम से पहले वो कहीं नहीं जाएगी। और अगर आपने उसे कहीं जाने पर मजबूर किया तो ये याद रखिएगा कि मैं भी जाऊंगी उसके साथ। तो तुम पास नहीं आओगी? नहीं, क्योंकि बीना बहन है मेरी, मेरा रिश्ता है उसके साथ। अगर आप चाहती हैं वो यहाँ ना आए तो नहीं आएगी। वो मुझसे मिलने मेरे घर आएगी। मेरे दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे हमेशा बीना के लिए खुले हैं। मैंने तो जब सुना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल सुन सी रह गई थी मैं। अंकल का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। सानिया की शादी पर कितने खुश थे ना वो। बस क्या बताऊं, ये जो बुरी नजर होती है ना ये ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है। मेरे शहरयार को भी किसी मनहूस की बुरी नजर ही खा गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। किसकी बुरी नजर? घर पे कुछ हुआ था क्या? जिस घर में बीना जैसी मनहूस लड़कियां रहती हो ना उस घर के मर्द किसी तरह हार्ट फेल होने से मर जाया करते। उनके आखिरी वक्त में यही मनहूस उनके पास थी। पता नहीं इसने क्या कहा उनसे कि वो अचानक दुनिया ही छोड़ के चले गए खामोशी से। बीना ने अपने चचा को ऐसा क्या कहा होगा कि उनका इंतकाल ही हो गया? अरे मुझे क्या पता, सुनाई होगी कोई अपनी आशिकी माशूकी की दास्तान। कसम खुदा का बेशर्मी की भी वैसे इंतहाई हो गई। शादी हो गई इस लड़की की फिर भी अजलान का पीछा नहीं छोड़ रहे। शहरयार के इंतकाल से एक दिन पहले
टेरेस पे खड़ी असलान से बातें कर रही थी, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। चले, आप परेशान मत हो। क्या हुआ है? घबराई भी क्यों लग रही है? खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है बीना। वहां रमशा मामा के साथ बैठकर तुम्हें कुरेद रही, अजीब अजीब से सवाल कर रही, और मामा भी उसके साथ मिलकर तुम्हारी बुराइयां कर रही। या अल्लाह, मैंने हिदायत दी, ऐसे लोग हैं ये तो किसी की मैयत में भी फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते। एक काम करो ना, तुम जाओ रमशा के पास और उसको प्लीज किसी तरीके से घर भेजने की करो। या चाची जान को ना किसी काम के बहाने से बुला लो प्लीज। चाची जान का ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं है उसके साथ, जितनी देर बैठेगी वो उतना शहर फैलाएगी। प्लीज उसको हटाओ वहां से। एक बात कहो बिना, बुरा तो नहीं मानोगे, जिस तरह शैतान से औरत की हरकतें उस तरह तो तुम्हें आज ही घर चले जानी चाहिए, वरना तुम्हारी गैर हाजिरी में पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। क्या करूं जी जाने की? तुम परेशान ना हो, मैं जाकर उसे हैंडल करती हूँ। प्लीज जाके करो, प्लीज। मैं जा रही हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या क्या कहा उसने? बकवास कर रही है वो। आप लोग तैयारी करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। रमशा, क्या हो गया मामा? चिल्ला क्यों रही हैं आप? मामा, क्या कहा है तुमने सारिम से? अगर उसने आपको बता ही दिया था तो मुझसे क्या पूछने आई हैं आप? ताकि तुम्हारी जबान घेर सको। और फिर आपके साथ मसला है क्या? एक लफ्ज और कहा तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। तुम्हारे जैसी बेटी जो सिर्फ और सिर्फ बदनाम हो रही हो और हमें बेइज्जत करवा रही हो, अगर उसका गला अपने हाथों से दबा भी दिया तो मुझे कोई अफसोस ना होगा। आप मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकती है। मैं को अभी भी कह रही हूँ कि आप बात आ जाए, निकाह के वक्त मैं सबके सामने मुकर जाऊंगी, फिर क्या कर लेंगी आप? ठीक है, फिर उन्हीं सबके सामने तुम अपनी माँ को मरता हुआ भी देखोगी, समझी? मामा! अगर दिल नहीं लग रहा तो आ जाऊं लेने? बिल्कुल भी नहीं। भाई सोच लो, इतनी हसीन ऑफर ठुकराने के बाद घर में उदास बैठे रहने से बेहतर है कि मैं लेने आ जाता हूं। आपको पता नहीं आप मेरी जरूरत है और आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे, बहुत बुरे हैं आप। तुम्हारी आवाज से उदासी कम करके अच्छा लग रहा है। बीना चाहे ऐसी रूठी रूठी बातें करती हो लेकिन प्लीज उदास मत होना। अच्छा ओके बाबा, नहीं हो रही, ये बताया वहां सब कैसे? बाकी सब तो ठीक चल रहा है लेकिन रमशा का मूड बहुत खराब है। जाहिर है मूड खराब ही होगा, उसकी मर्जी के खिलाफ जो उसका रिश्ता हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है।
कि शादी के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। सिर्फ उसी की नहीं बल्कि हमारी लाइफ ही बहुत आसान हो जाएगी। नेहा, बात करनी है मुझे तुमसे। निहाल, हेलो। अमिशा, व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू गेटिंग सो अग्रेसिव? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सारिम से नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अमिशा, मेरी शादी हो चुकी है, क्या ये बात क्लियर नहीं है? प्लीज तुम शादी करो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। मुझे मत समझाओ ये सब बातें, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, मुझे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? What is this nonsense? ये किस किस्म का सवाल है? मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? Of course, जिंदा देखना चाहता हूं। तो ठीक, कल सुबह हम दोनों निकाह कर लेते हैं। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज प्लीज किसी और का मत होने दो। रमशा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ओके? सोच लो, तुम्हारा इनकार मेरी जिंदगी भी ले सकता है। रमशा, हमारी शादी नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत में। चाहे मेरी जिंदगी और मौत का सवाल हो, फिर भी नहीं। हाँ! चाहे तुम्हारी जिंदगी का सवाल हो या तुम्हारी मौत का, आई डोंट केयर, नाउ लीव। क्या कर लिया तुमने अपने साथ? रमशा, आंखें खोलो। रमशा, नसीम।